बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिदा राबेल और आप सबको एक नए व्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अच्छा जी, ये दोपहर का टाइम है और तकरीबन 1 बजा था, तो मैंने आयशा को शावर दिलवाया, उसके बाद उनका जो बाथ टब है वो ड्राई होने के लिए रख दिया। और यहाँ आयशा के कपड़े ड्राई हो चुके थे तो मैंने सोचा कि चेक करती हूँ, जो सब ड्राई हो गए हैं वो हटा लेती हूँ। गर्मी कुछ इतनी ज़्यादा है ना कि दिल करता है कि ख़ुद भी रोज़ शावर लो और बच्चों को भी रोज़ नहलाओ। अच्छा जी, बस आयशा को शावर देने के बाद मैंने उनको रेडी किया और जयान से भी कहा कि आप भी जब तक शावर ले लो। और यहाँ मैं उनके कपड़े वगैरह निकाल रही थी तो कुछ लोग पूछेंगे आयशा कौन है। आयशा हमारी न्यू गुड़िया है, जो हमारे फैमिली में न्यू मेम्बर का इजाफ़ा हुआ है वही हमारी आयशा है। और यहाँ मैं कुछ कैलेंडर पे कुछ ज़्यादा ही गौर व फिक्र कर रही थी और ये देख रही थी कि कुछ छुट्टियाँ भी आ रही हैं इस मंथ, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कुछ छुट्टियाँ होंगी 27-28 ऑफ जुलाई की। तो बस कुछ वही कैलेंडर पे ज़रा ऑब्जर्वेशन कर रही थी। और वैसे भी आजकल समर वेकेशन चल रही हैं। अच्छा जी हाँ, बर्तन वगैरह वॉश किए थे तो बस वो थोड़ा ड्राई होने के लिए रख दिए थे। मेड आजकल जो है वो अपने गाँव गई हुई हैं तो फ़िलहाल मैं ख़ुद ही काम कर रही हूँ, जो भी घर के काम वगैरह हैं। और बस बच्चों के काम से, सब काम से फ्री होकर मैंने कहा बस जोहर का टाइम है तो पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, उसके बाद मैंने सोचा फिर कुछ काम करूँगी, क्योंकि नमाज़ का टाइम है तो पहले नमाज़ अदा कर ली जाए, क्योंकि नमाज़ सब कामों से ज़रूरी है। तो जब नमाज़ हम अपने टाइम पर अदा कर लेते हैं ना तो हमारा दिल बहुत पुरसकून होता है और हर काम में दिल लगता है। अदरवाइज़ ये होता है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, आपका किसी काम में मज़ा नहीं आता और जल्दबाजी में कोई काम अच्छा होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने जो ब्लैक वाले चने होते हैं, काले वाले चने, ये मैंने ज़रा भिगोए थे शाम को। मैंने कहा आज चने बनाते हैं और चाय वगैरह के साथ अपनी हाइटी पे। तो ये है कि और यहाँ मैं बना रही थी स्टू। जी यहाँ पे बन रहा था मटन स्टू। और इसकी अगर आपको कंप्लीट रेसिपी देखनी है तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको स्टू की कंप्लीट रेसिपी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे जब मैंने लास्ट टाइम अरवी गोश्त बनाया था तो आपने रेसिपी शेयर नहीं की। काफ़ी लोग मुझे इस बारे में कह रहे थे कि आप रेसिपी भी ज़रूर शेयर किया करें। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं। तो बस यहाँ पे मैं ये अपना स्टू तैयार कर रही थी और मटन स्टू बनाया है। और बस ये थोड़े से बर्तन थे जो मैंने अभी आपको शो किए, तो मैंने कहा चलो ये भी हाथ के हाथ में वॉश करके रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ हमारा मटन स्टू तकरीबन तैयार हो गया था और जब शाम में हस्बैंड आए थे तो उनके साथ ज़रा मैं बाहर चली गई थी, घर की कुछ चीज़ें ले ली थी और जान के लिए कोर्स भी कलेक्ट करना है, उनकी बुक्स एंड कॉपीज भी लेनी है। तो बस इसलिए मैं ज़रा ATM ID के कुछ पैसे वगैरह निकाल लेती हूँ ताकि उनकी बुक्स एंड कॉपीज़ वगैरह ले ली जाए। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि मुझे न्यू सब्सक्राइबर्स मिलें, न्यू व्यूवर्स मिलें और जल्द अज जल्द मेरे 4K कम्प्लीट हो जाएँ। बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो जयान ने कहा कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ खाने, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी। तो फिर कुछ देर हम यहाँ रुके और हमने बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ खाए। हमने फ़र्स्ट टाइम इनके फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई किए। ये हमारी एरिया में काफ़ी करीबी है और नेशनल स्क्वायर के नाम से ये जगह काफ़ी मशहूर है। तो इनके फ्रेंच फ्राइज़ ये 100 रुपीज़ के थे और ये बहुत ही, यकीन करें, बहुत मज़े के थे। इस बर्गर शॉप के बिल्कुल बराबर में ही आइसबर्ग है और हम अक्सर यहाँ आइसक्रीम खाने आते हैं, लेकिन बिलीव करें कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि यहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ या बर्गर वगैरह ट्राई करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ थे। और उसके बाद ना मुझे चने वगैरह लेने थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम आ गए थे मुबारक ड्राई फ्रूट शॉप पर। और इनकी कंप्लीट वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ लाजमी देखिएगा। इनका ड्राई फ्रूट बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा निम्बू वगैरह भी यहाँ अवेलेबल है। तो ये मेन किसी रोड पर है, मुबारक मस्जिद के बराबर में ही बिल्कुल मुबारक ड्राई फ्रूट शॉप है। यहाँ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें वगैरह शेयर कर रही थी और क्वालिटी A1 होती है, बहुत नीट क्लीन और बहुत साफ़ सुथरी तमाम चीज़ें यहाँ मिलती हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है तमाम चीज़ों की, चाहे वो निम्को हो या कोई ड्राई फ्रूट वगैरह या कोई भी चीज़ इस शॉप से आप लें, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। और तमाम जो वैरायटी होती है ना अवेलेबल होती हैं, कि मतलब मीडियम क्वालिटी है या उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, तमाम यहाँ अवेलेबल होती हैं और प्राइस भी बहुत मुनासिब होते हैं। बस जी प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।